हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मेरा नाम है मांपी अधिकारी दास और जो मेरा ये चैनल है दी मैथ्स वर्ल्ड, ये 4 साल पुराना है। जी हाँ, 4 साल पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर इस चैनल को क्रिएट किया था, बट ड्यू टू सम पर्सनल इशू हम वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाए। पर जितने भी वीडियोस आज तक हमने डाले हैं हमारे इस चैनल पे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो सोचा हमने फिर से रीस्टार्ट करते इस चैनल को। तो इसीलिए मैं ब्लॉग के द्वारा इस चैनल को दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ। तो जो लोग नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना तैयार होकर ब्लॉग बनाने बैठी हूँ, तो मैं उसका रीज़न बता देती हूँ। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रही थी। यस, मैं इंस्टाग्राम में ब्लॉगिंग करती हूँ साड़ी, ज्वेलरी, सस्टेनेबल फैशन से रिलेटेड। तो अगर आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और प्लीज़ इस ब्लॉग को स्टार्टिंग से एंड तक देखना मत भूलिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, चाहे अच्छा लगा हो ना लगा हो, जो भी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स जो भी आपका है आप प्लीज़ मेंशन करना, ताकि मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिले। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर देखिए। थैंक यू। जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूंदे, जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूंदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, ये मुझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगे कैसी ये अगन, ये मुझिम गिरे सावन। ये मेरी बेटी है रायमा, जिसको हम घर पे पिकू बुलाते हैं। पिकू, सबको हाय बोलो बेटा। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी तो मेरा बहुत मन कर रहा था समोसे और गरम गरम जलेबी खाने का, पर मेरे हस्बैंड मार्केट तो गए, पर जलेबी और समोसा ना ख़त्म हो गया, तो अभी फ़िलहाल ये चिली पोटैटो, मोमोज और स्प्रिंग रोल से ही काम चलाना पड़ेगा। क्या करें, लेट हो गए ना इसलिए। तो गाइस, 11:45 बज चुके हैं, मैं डिनर करने जा रही हूँ। एक्चुअली आज इंस्टा के लिए शूट कर रही थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया डिनर भी। होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहिए।